बदनामी से बचने के लिए, अपनी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत के लिए क़ुरान करीम की एक छोटा सा अमल कीजिए, जिससे आपकी इज़्ज़त में और भी ज़्यादा इजाफा होगा। बदनामी कभी भी आपकी नहीं होगी। जो लोग आपको बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं, आपकी इज़्ज़त व नामूस को ख़राब करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, तो उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए आपने इस अमल को कर लेना है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है। अल्लाह तबारक व ताला से मदद मांगें। वह आयत यह है, सूरह यूनुस आयत नंबर 65, वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीअ हुवस समीउल अलीम। सुबह और शाम यानी फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें। इंशाअल्लाह कभी भी आपकी इज़्ज़त व नामूस में ख़राबी नहीं आएगी, बदनामी नहीं होगी।